Hey guys, this is Jay. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing absolutely fine. And today it's day 4 in Dubai. And today actually we are booking for Burj Khalifa and the aquarium and the underwater aquarium and the underwater zoo at the Dubai Mall. So right now it's 12:05 and we are ready to leave. Our driver is waiting down. So guys, now we have reached Dubai Mall and the driver dropped us here in the tourist bus parking area. All the taxis and the bus leave you here, and to actually go to the mall you will need to take an escalator, and behind me there is an Burj Khalifa entrance directly from outside the mall. मतलब बाहर तो इतना गर्मी था, जैसे अंदर है ना ऐसा लगा किसी ने एकदम बर्फ वाली हवा छोड़ दी हो मुंह पे. तो ये है, हम लोग मेन एंट्रेंस से अंदर आए. तो जैसे आप अंदर घुसेंगे आपको ऐसा सेंटर में, एक्चुअली हम लोग सेंटर में आए तो ऊपर थ्री फ्लोर्स का है ये दुबई मॉल, लेकिन लंबा काफ़ी है. मतलब बोलते हैं कि आप ये एक दिन में एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते, कम से कम आपको 2 से 2.5 दिन लगेगा पूरा मॉल एक्सप्लोर करने को. सो दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल एंड ऑल्सो द वर्ल्ड्स एक्सपेंसिव मॉल टू. तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले ही एक्वेरियम जाके आएंगे. अभी ऑलमोस्ट 12:40 हो गया है, तो अभी मतलब क्या थोड़ा गर्दी कम होगा लगता है ऐसा. और आज क्या ईद है इधर, अभी देख रहे ऊपर कहाँ से चढ़ने का है. और अब देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया भर की सारी ब्रांड्स है. आपको जो ब्रांड आप बोलेंगे वो ब्रांड इधर रहेगी, जो आपको ब्रांड पता भी नहीं रहेगी वो भी ब्रांड इधर रहेगी. एक्चुअली काफ़ी गर्दी लग रही है आज एक्वेरियम के वहाँ पे. देखते हैं अभी हमारी बुकिंग क्या हो गई, मतलब टिकट काउंटर पे बहुत गर्दी है. तो देखते हैं अभी कि अंदर जाने के लिए गर्दी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे टिकट काउंटर के वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है. आप देख सकते हैं पीछे, देखिए पीछे फुल, मतलब सब लोग लाइन लगा खड़े. 4 से 5 काउंटर है और सब पे लाइन लगी हुई है. यहाँ पे सब 4-5 काउंटर है. तो यहाँ पे वो जो कूपन रहेगा वो देंगे तो आपको वैलिड टिकट मिलेगा. सोचा तो बता दूँ. गुड टू नो सर. सो गाइज, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इनसाइड द अंडरवाटर टनल. एज यू कैन सी आई एंटर्ड राइट फ्रॉम देयर. बिहाइंड मी you can see the gate, and here is the end where I'm standing right now. So this is not a very big tunnel as you think, but it's sufficient enough to get an experience that you are underwater, and the fishes and the underwater bodies are so close to you that you kind of get a very good experience of the fishes. So you can see them right up close to your face, and there is also an option so that you can dive in and get a much closer look at the fishes. But we didn't do that, and we kind of just got into the tunnel. So if you're ever visiting to Dubai and coming to Dubai Mall, you should visit this, and this is a one time very good experience with your family. So without wasting any much time, let me give you a tour of this underwater tunnel. For the underwater zoo, you will need to go to level 2 over here. So we are on the escalator, and
as you can see, and we will now be going to underwater zoo. So now enjoy the footage of underwater zoo. तो गाइस तो अभी सीन ये है कि हम लोग का एक्वेरियम और अंडरवाटर जू हो गया है और अभी बज रहे 5:10. तो हम लोग को मतलब बुर्ज खलीफा का बुकिंग है 7 o'clock का, बट आज ईद है तो आज थोड़ा रश ज़्यादा है, तो हम लोग को अराउंड 6 o'clock से लाइन लगा के चालू करना पड़ेगा ऊपर जाने का. दुबई मॉल मतलब हम लोग को एक्वेरियम घूमने को ही मतलब अच्छे से समझो ना 2.5 से 3 hours तक लग गया. तो अगर आप आ रहे हैं दुबई मॉल में एक्वेरियम और घूमने के लिए तो 3 घंटे का ऐसा प्रोग्राम बना के आना, तभी आपका सब होगा. अभी तो हम लोग ने सिर्फ 2 ही चीज़ किया, अंडर वाटर जू और एक्वेरियम. उधर और भी बहुत सारा चीज़ था, मतलब शार्क को आप फीड कर सकते हैं, अंडर वाटर डाइव कर सकते हैं, बट हम लोग ने तो सिर्फ इतना ही किया, उसमें भी इतना टाइम लग गया. तो मतलब अगर आप आ रहे हो तो अच्छे से प्लान करके आना. तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ फूड कोर्ट में, तो अभी यहाँ से देखना पड़ेगा कि बुर्ज खलीफा के लिए मतलब बुर्ज खलीफा का एंट्रेंस कहाँ पे टू द टॉप जाने के लिए. तो अभी हम लोग एलजी लेवल पे जा रहे हैं, लोअर ग्राउंड लेवल जहाँ से बुर्ज खलीफा का एंट्रेंस है. तो अभी यहाँ से आगे जाने के बाद लिफ्ट में डायरेक्ट 3 फ्लोर से नीचे जाएंगे, क्योंकि हम लोग सेकेंड फ्लोर पे, तो एलजी मतलब ग्राउंड के एक नीचे लोअर ग्राउंड पे. तो अभी थोड़ा रश बढ़ रहा है, तो मैं आपसे अभी नीचे जाके ही बात करूँगा. सो अभी बुर्ज खलीफा जाने से पहले यहाँ पे आए आइस रिंग देखने का, और उसके पहले एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा दो आप लोगों को, बहुत पसंद है. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this. So, मतलब यहाँ पे तीन काउंटर है, 3 ऑनलाइन कलेक्शन के लिए और 3 टिकट्स परचेज करने के लिए. So, हम लोग का ऑनलाइन कलेक्शन, ऑनलाइन टिकट बुक्ड है, हम लोग को सिर्फ कलेक्ट करना है. तो मतलब यहाँ पे कैसा है,
आप लोग एक बार ऊपर चले गए ना, ऊपर जाने के बाद मतलब आपको जितना जितना देर चाहिए उतना देर ऊपर रह सकते हैं, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अभी सनसेट होने वाला रहेगा, हो गया रहेगा, पता नहीं बाहर पता नहीं क्या चालू, तो ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाए। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, ऐसा बहुत लंबा चलने का, अभी लाइन तो खत्म हो गया बट अभी भी चल ही रहे हम लोग। सो गाइज, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट हो गए और अभी तक हम लोग चल ही रहे, मतलब थोड़ा बहुत लंबा रास्ता है यहाँ पे बुर्ज खलीफा के लिफ्ट एरिया तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे बीच में स्क्रीन पे WWE का कोई वीडियो चालू था जो 125th फ्लोर पे शूट हुआ है। और आप थोड़ा ही आगे जाएंगे ना तो आपको और एक छोटा सा स्क्रीन मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको है ना बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे ये मतलब January 2004 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और कितने टाइम में कितना इसका स्लैब या कितना फ्लोर चढ़ चुका था वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 2007 जनवरी तक ऑलमोस्ट हाफ कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया था और इसका कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा January 2009 में कंप्लीट हुआ था। तो मतलब ये छोटा सा स्क्रीन है और शॉर्ट शॉर्ट वीडियो ऐसा रिप्ले में प्ले होता रहता है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के बारे में। और अभी आप मतलब यहाँ से थोड़े आगे जाएंगे तो सामने आपको ये लिफ्ट एरिया का एंट्रेंस मिलेगा। तो यहाँ से अंदर जाएंगे तो लिफ्ट के सामने वो लाइन बना के खड़े रहने का कि लिफ्ट आ जाए। यू कैन सी द स्पीड ऑफ द लिफ्ट, इट कैन गो फ्रॉम दिस ग्राउंड फ्लोर वेयर वी आर स्टैंडिंग टिल द 124th फ्लोर इन 60 सेकेंड्स। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन द 125th फ्लोर 125th फ्लोर एंड दिस इज अ 360 व्यू गैलरी ओवर हियर। देर वर लाइक दे मेड टू पार्ट्स ऑफ अवर ग्रुप, सो दे सेंड वन ग्रुप टू द 124th फ्लोर एंड द अदर वन टू द 125th फ्लोर। सो इफ यू वॉन्ट टू गो टू द ग्राउंड फ्लोर, लाइक सो नॉट ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली 124th फ्लोर, एंड यू कैन गो फ्रॉम द स्टेयर्स डाउन बिलो। एंड या एक्चुअली द व्यू फ्रॉम हियर इज अमेजिंग गाइस। I don't think the camera will do the justice, but I will try to capture as much as I can, and I also have another camera. I will try to capture more clear pictures with it, and hope you guys enjoy this beautiful experience with me. Also, here is a small souvenir shop also. सो गाइज, बुर्ज खलीफा से नीचे उतरने के बाद हम लोग ने 9:30 बजे का फाउंटेन शो कैच कर लिया। मतलब ये फाउंटेन शो हर आधे घंटे के बाद होता है, तो आपको जो भी टाइम जमे आप तभी कैच कर सकते हैं। और ये फाउंटेन शो में जो ऑडियो था मैं आपको नहीं सुना सकता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते गाइज। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल गाइज, इट्स फ्री। एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्लीज़ हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन। And until next video guys, thanks for watching, peace out.